अभी ये दादा बोल रहे थे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान है क्या, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत मुसलमान वोटर है। सो गए। इसको बताइए। हर समय मत बोलिए, नींद आ जाएगा आपको। एक बहुत महत्वपूर्ण जो मैं कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, अब जो नया बोर्ड होगा सर, सेंट्रल वर्क काउंसिल और स्टेट वर्क बोर्ड होगा, इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अनिवार्य हो गया है। महिला इसमें रहेंगे और इसमें मुस्लिम महिला और जितना अलग डिनोमिनेशन है, बोरास, आगा खानीज और अदर बैकवर्ड क्लासेस अमंग्स मुस्लिम, इनको भी हमने बोर्ड में स्थान देने का निर्णय किया गया। अब हम लोग सब यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर धर्म के लोग हैं। अभी ये दादा बोल रहे थे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी मुसलमान है क्या, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत मुसलमान वोटर है। सो गए। इसको बताइए। इसलिए मैंने कहा ना दादा, आप हर समय मत बोलिए, नींद आ जाएगा आपको। सर थक जाते हम लोग। सर जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, सर मैं कोई स्पीच हो तो फिर सो जाओ क्या सदन में? वो कल रात क्या कर रहे थे मैं नहीं पूछूंगा उसको। सर चेक कर लेंगे। ब्रदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए जरूरी है। हो गया। उसको निकाल दीजिए सर, मैं इसको देख लूंगा, कार्रवाई से हटा दूंगा। और आप पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उसको कार्रवाई से हटा दिया है। प्लीज।